फ्रेंड हम हो गए तैयार। और इससे पहले गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। आपके ही यूट्यूब चैनल में मैं प्रिया आप सभी लोग का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड आज आप सोच रहे होंगे कि मैं तैयार होकर क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ कुछ खास जगह पर मैं अभी नहीं बताऊंगी। यदि अभी बता दूंगी तो आप मेरी वीडियो में मजा कैसे लोगे। तो हमारे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच करके देखिए आप सभी लोग, क्योंकि आज की वीडियो कुछ खास है। और ये खास क्या है, जब हमारी वीडियो के साथ आप लोग बने रहेंगे तो हम बताएंगे कि हमारी वीडियो क्या खास है। तो हम फटाफट हो गए हैं तैयार, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा रूटीन, झाड़ू पोछा, मैंने खाना नाश्ता सब रेडी कर लिया आज फटाफट, क्योंकि मुझे कहीं जाना था। और मैंने जैसे पूजा भी कर लिया है, मेरा सब काम हो गया फिनिश। अब उसके बाद हम यूं हुए तैयार। आज हमने सर धोकर, सर भी धोया है, शैम्पू किया है बालों में, क्यों मेरे बाल हल्के गीले हैं आप लोग को देख रहा होगा। तो बस हम वही तैयार होके चलते हैं हमारे वीडियो के साथ, आप लोग बने रहिए, वीडियो बहुत ही रुचिक होने जा रहा है। तो जैसे आपको हम बताए थे फ्रेंड कि हम लोग घूमने आए हैं महोस, हनुमान जी की मंदिर है यहाँ। यहाँ पर दूर दूर तक देखेंगे फ्रेंड तो यहाँ जंगल सा है, बहुत ही पुरानी मंदिर है यहाँ। यहाँ की खासियत हम बताना चाहेंगे आप सभी लोग को कि यहाँ की खासियत क्या है। तो फ्रेंड यहाँ की खासियत ये है, जैसे कि हड्डी या मतलब हड्डी टूटी हो तो यहाँ भगवान जी हनुमान जी के इतना महिमा रहती है कि वो हड्डी यहाँ पर सही हो जाता है। कुछ यहाँ परहेज करना पड़ता है, 1 महीना की लगभग परहेज रहता है। और वहाँ मतलब जो अपनी हड्डी टूटी है या फ्रैक्चर है कुछ भी है, तो इनका यहाँ इस मंदिर का ये आशीर्वाद है कि उसकी वजह से ये ठीक हो जाता है। तो यहाँ मतलब ये मंदिर जो है ना बहुत पुराना मंदिर है और जंगलों के बीचों बीच में मंदिर है, काफ़ी दूर इसमें चलना पड़ता है, साधन यहाँ नहीं है, साधन मतलब पहले से ही कुछ दूरी पर खड़ा करना पड़ता है और यहाँ उसके बाद फिर पदयात्रा करना पड़ता है। जैसे कि आप ये देख के समझ गए होंगे कि बहुत पुरानी मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की बहुत ही ज़्यादा कृपा रहती है और कहते हैं कि यहाँ इस मंदिर में उनके प्रताप से सारे दुख तकलीफ़ दूर भी हो जाते हैं। और ख़ास यहाँ की खासियत यही है कि जैसे हड्डी, पैर हो या हाथ हो या फ्रैक्चर कुछ भी हो, यहाँ पर वो ठीक हो जाता है। बस यहाँ पर वो 1 महीने का परहेज कुछ टाइप का रहता है, वो करना पड़ता है। तो आज हम और हमारे मिस्टर, हमारी छोटी सी बेटी, हम तीनों यहाँ पर आए थे दर्शन के लिए। धूप तो पूछिए मत फ्रेंड, गर्मी भी काफ़ी है, धूप भी तेज है। और हम लोग आए मंदिर दर्शन करने। हमारे वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग भी दर्शन कीजिए। सुबह टाइम गए थे तो ज़्यादा भीड़ उड़ नहीं थी, बहुत ही कम भीड़ था। ये देखिए जैसे मेरी बेटी खड़ी हैं, ये देखिए मंदिर ना ऐसे ही है, मतलब बहुत पुराना मंदिर है ये और चारों तरफ ना जंगल ही जंगल है। पेड़ पौधे जंगल ऐसे हैं यहाँ। यहाँ पर मंगलवार और संडे को काफ़ी भीड़ बना रहता है, क्योंकि उसी दिन लोग आता है पब्लिक ज़्यादा, जिसके हाथ पैर की हड्डी वगैरह रहता है ना, वो लोग उसी दिन आते हैं। ये माता रानी का जैसे कि पट बंद है, लेकिन आपको हम दर्शन कराने की पूरी कोशिश करेंगे कि माता रानी के आप लोग अच्छे से दर्शन कर लें। ये माता रानी का है, दर्शन कीजिए आप सभी लोग। जय माता दी, जय माता दी। पट अभी खुला नहीं है, पट शाम को ही खुलता है। हम लोग सुबह गए थे दर्शन के लिए,
फटाफट अपना रूटीन कंप्लीट करने के बाद हम लोग गए थे वहाँ माता रानी के दरबार में। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, काफ़ी जंगल पहाड़ी एरिया है। ये है हनुमान जी का, धूप बहुत ही तेज है, थोड़ी सी वीडियो धुंधली टाइप की हमारी आ गई होगी क्योंकि ये पूरा जंगल एरिया है जैसे हमने आपको बताया। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, धूप बहुत तेज था, बहुत ही ज़्यादा। ये हनुमान जी हैं, इनके आशीर्वाद से जो भी हड्डी में प्रॉब्लम रहती है वो हो जाता है ठीक। जहाँ तक नज़र जाती है ना वहाँ तक पूरी जंगल एरिया। हम भी फर्स्ट टाइम गए थे यहाँ पर, देखिए दूर दूर तक ना घना जंगल सा है। और नारियल तो मत पूछिए, ऐसे नारियल का ढेर सा लगा है, टूटे हुए नारियलों का। क्योंकि बताया जैसे हमने कि यहाँ मंगलवार और इतवार दोनों दिन काफ़ी भीड़ पब्लिक की बनी रहती है। ऐसे रास्ता दिया गया है मंदिरों में जाने के लिए। ऐसे दूर दूर पर मंदिर है काफी चलने के बाद। आप सभी लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ फुल वॉच करके देखिएगा। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग को। जंगल काफ़ी बड़ा है फ्रेंड यहाँ। इसी के साथ वीडियो करते हैं बंद, फिर एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए बाय।